Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. So today I am going to start the next topic that is based on the concept of work. In fact, this is the concept which I am giving you regarding thermodynamic work. Okay, please don't get confused. I am not going to give you the concept of the general work, but I am talking about the thermodynamic work. So beta, isme पहले आपने राइट फ्रॉम द 10th क्लास यू माइट हैव स्टडीड इन फिजिक्स व्हाट वर्क इज. सो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, सो आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. सपोज यू आर अप्लाइंग सम फोर्स एफ एंड ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स अ बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड. नाउ मुझे ये बताओ बेटा, यहां पर ये जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है? इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. मैंने ब्लॉक को यहां से फोर्स अप्लाई किया और बॉडी भी वहीं से डिस्प्लेस हो रही है. सो हियर वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव. सो एक्चुअली हम कब कहते हैं कि किसी भी फोर्स ने वर्क की है? जब आप उस पर क्या होगा, जब उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे होगे आप, तो बॉडी भी उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता हो. जैसे ब्लॉक को फोर्स हमने यहां से अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक की उसी डायरेक्शन में, देन वर्क इज सेट टू बी डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स. तो बेटा आप कब कहोगे किसी अप्लाइड फोर्स ने वर्क की है? सो वर्क इज सेट टू बी डन by the applied force. When it displaces a body along the same direction. Along which direction, beta? Is that clear? ठीक है बेटा, तो आप कौन सा फोर्स या किस फोर्स को हम कहेंगे कि वर्क हो गई है? वो फोर्स खाली बेटा वर्क करता है, वो कंपोनेंट फोर्स का वर्क करता है जो कंपोनेंट बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो. जैसे आप ऐसे ले लो बेटा, मैंने यहां फोर्स यहां से अप्लाई किया था, बट यू नो देयर इज अनदर फोर्स which opposes the motion of a body that is opposite to the direction of displacement. Now, can you tell me how much is the work which is done by the frictional force? It is negative. So, work done by the frictional force is not the positive one, but is negative. Why negative? Because yahan par frictional force ki direction aur displacement ki direction beta opposite hai. So, when the body is displaced opposite to the direction of the force given, then work done by that force is negative. When a body is displaced along the direction of the given force, then work done by that force is positive. So here I am talking about the positive work now. Now, thermodynamics में बेटा ये work आप कैसे देखते हो, कैसे define करते हो? तो उसके लिए बेटा मैं एक thermodynamic system लूंगा, ठीक है बेटा? So let us take a thermodynamic system. बेटा ऐसे मैं ले रहा हूं, एक सिस्टम लेके बेटा, ठीक. सपोज इन दिस सिस्टम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज यू मस्ट रिमेंबर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मेनी मोर. बट सपोज दिस सिलेंडर इज फिटेड with a piston, okay, movable piston. Now मान लो बेटा ये जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा. एक्सटर्नल प्रेशर जो है
वो इंटरनल प्रेशर से बेटा बहुत कम है। तो क्या होगा जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट दिस पिस्टन विल बिगिन टू एक्सपैंड। सो दीज गैस मॉलिक्यूल्स विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस पिस्टन, है कि नहीं बेटा? जब ये गैस मॉलिक्यूल्स जो अंदर है उनका प्रेशर, फोर्स, प्रेशर मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, वो ज्यादा है बाहर से, तो क्या होगा ओवरऑल? क्या इस पिस्टन, क्या ये जो सिस्टम है, ये जो पिस्टन है, क्या ये एक्सपैंड होगा या कॉम्प्रेस होगा? तो डेफिनेटली ऑब्वियसली इट विल एक्सपैंड, बिकॉज हियर आई अज्यूम दैट इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। तो बेटा क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे विल एक्सर्ट, दे विल पुश द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट विल हैपन, द एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी, यहां जो पिस्टन है वो लीनियरली डिस्प्लेस हो रहा है बेटा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स डाल रहे इस पिस्टन में, वो भी बेटा किस डायरेक्शन में? वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना बेटा? ये सीधे बात है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे एक्सर्ट द प्रेशर, दे एक्सर्ट द फोर्स ऑन द पिस्टन इन विच डायरेक्शन? इन अपवर्ड डायरेक्शन। दे ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन ऑल द डायरेक्शन, बट यहां क्या होगा बेटा? यहां पर जो इस वॉल पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो इस वॉल पे जो प्रेशर बेटा पड़ेगा उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर तो ज्यादा है, हमने अज्यूम किया कि इंटरनल प्रेशर एक्सीड इज द एक्सटर्नल प्रेशर। सो व्हाट विल हैपन, द नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज देयर इज अनबैलेंसिंग इन द फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स जो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ रहा है वो कम है, इंटरनल फोर्स ज्यादा है, क्योंकि अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स मैंने अज्यूम किए उनका जब प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी उनका ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट दिस पिस्टन विल गो अपवर्ड्स। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस गैस मॉलिक्यूल्स, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव? लिसन, बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स ने जो फोर्स डाला वो इस डायरेक्शन में है, और ये पिस्टन डिस्प्लेस कहां से हुआ बेटा? ऊपर ही हुआ ना। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस हियर, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस सिस्टम हियर, पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव। सो थर्मोडायनेमिकली कैन आई से दैट वर्क इज सेट टू बी डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ओके, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द अप्लाइड फोर्स व्हेन इट डिस्प्लेसेस अ पिस्टन अलोंग द सेम डायरेक्शन। समझ आ रहा है? तो बेटा यहां पर आप कैसे कहोगे कि थर्मोडायनेमिक वर्क हुई है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम है उसने जो वर्क किए हैं, उसने जो फोर्स डाला है पिस्टन पे, तो वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो रहा है। सो वर्क इज सेट टू बी डन बाय द अप्लाइड फोर्स व्हेन इट डिस्प्लेसेस अ पिस्टन अलोंग द सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ सपोज बेटा मान लो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है बेटा? तो मैंने इतना एक्सपेंड किया कि बाद में, उसके बाद मैंने क्या किया कि इंटरनल प्रेशर जो है वो मान लो एक्सटर्नल से कम है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर, तो क्या होगा इस पिस्टन पे? एक्सटर्नल प्रेशर जब ज्यादा है इंटरनल कम है, तो एक्सटर्नल फोर्स पर एरिया ज्यादा होगा। तो बताओ बेटा, इस पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, तो नेट फोर्स इस पिस्टन पे किस डायरेक्शन में पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? तो ऑब्वियसली दिस पिस्टन विल गेट डिस्प्लेस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी,
जो यहाँ पे प्रेशर इंटरनल था गैस मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स था वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा। और पिस्टन कहाँ से जा रहा है ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट इज डिस्प्लेस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, 0 degree और 180 degree, ऑब्वियसली इट इज 180। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस हियर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। सो बताओ वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, क्यों? एक्सपेंशन के दौरान गैस मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, डायरेक्शन सेम है दोनों की, सो इट इज पॉजिटिव वर्क। अच्छा कॉम्प्रेशन के दौरान फिर से गैस मॉलिक्यूल्स के जो अंदर है वो कहां से फोर्स डालेगी, ऊपर की ओर डालेंगे ना, लेकिन डिस्प्लेस कहां से, पिस्टन हो रहा है नीचे क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड कर रहा है। सो कॉम्प्रेशन के दौरान एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड करेगा और एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल प्रेशर एक्सीड करेगा, तो क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 180 ऑपोजिट। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव। सो इज दैट क्लियर? तो हम जनरल रियल वर्क कब कहेंगे सिस्टम ने की है, जब वो बॉडी या पिस्टन को वही से डिस्प्लेस करेगा जहां से अप्लाइड फोर्स है। So now I am going to derive this thermodynamic work. What is the general formula for the thermodynamic work? तो कैसे बेटा derive करेंगे हम? So आप नजर रखोगे बेटा। मान लो बेटा हमने जो work लिए, you know, मान लो इस पिस्टन जो है इसने इस पर फोर्स डाला, इन गैस मॉलिक्यूल्स ने इन पे फोर्स डाला। आई विल रीड्रॉ द डायग्राम। यहां पर बेटा जो ये पिस्टन है, सपोज इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बट थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। कितना ऊपर गया, एक्सपेंशन ही हुआ है, लेकिन कितना एक्सपेंशन हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी है पिस्टन में, बहुत कम, कितनी है dx। और मान लो इस दौरान जो इस पे फोर्स पड़ गया है, से दैट इज एफ, ओके, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स सो दैट द पिस्टन वुड गेट डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्प्लेसमेंट dx। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। बट बेटा यहां बताओ और भी एक क्वांटिटी, एक कॉम्पोनेंट साथ होता है, दैट इज cos थीटा। बट हियर ड्यूरिंग एक्सपेंशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज सॉरी व्हाट इज द एंगल, 0, व्हाट इज द डायरेक्शन, सेम, सो व्हाट इज एंगल हियर, 0 एंड यू नो cos 0 इज 1, सो हाउ मच इज द वर्क डन हियर ड्यूरिंग एक्सपेंशन, f इनटू s। लेकिन बेटा मैंने कितना डिस्प्लेस किया है, पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ है, dx, so shall I write it like this, f ऐसे रखना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, dx। बट इस पिस्टन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए बेटा आपको कितनी वर्क करनी पड़ेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय dw। सो व्हाट इज दिस dw, इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स so that the piston would get displaced by what displacement, dx। now tell me ye jo force hai fluid mechanics mein thermodynamics mein hum is force ko replace karte hain by pressure, acha fluid mechanics mein hum mass ko replace karte hain by density, is that clear, because it becomes more convenient, इनको transport properties भी कहते हैं, जैसे viscosity शायद आपने सुना होगा, लेकिन उसकी जो transport property है, that is kinematic viscosity, mu viscosity को divide करना है density, वो देता है kinematic viscosity, so ये terms जो हैं, इनको transport properties कहते हैं, इनसे हमें fluid mechanics में, thermodynamics में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होती है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इट बिकम्स वेरी मच इनकन्वीनियंट टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द होल गैस मॉलिक्यूल, बट इट इज इट बिकम्स कन्वीनियंट
to find out the force exerted by the unit area of the gas molecules. है ना, पूरे गैस मॉलिक्यूल का फोर्स निकालना आसान है या यूनिट एरिया का फोर्स निकालना आसान है? ऑब्वियसली यूनिट एरिया का. सो दैट्स व्हाई जब क्वांटिटी ह्यूज हो तो हम यूनिट जरूरी लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट एरिया में वो वैल्यू निकालते हैं. बर्नौलीज़ थ्योरम आगे जाके पढ़ोगे, वहां पे भी हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट. दीज आर नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज. सो नाउ इस फोर्स को बेटा फिर किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रेशर से. यू नो द बेसिक फॉर्मूला राइट फ्रॉम नाइन्थ, यू माइट हैव रेड दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो नाउ फोर्स बेटा किसके बराबर आएगा, लेट मी राइट इट हियर. सो फोर्स बेटा प्रेशर इनटू एरिया आएगा. इज दैट क्लियर, समझ आए बेटा? सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट हियर. सो dW बेटा किसके बराबर आएगा, P A dx. Is that clear? So हमने यहां फोर्स को किससे रिप्लेस किया, प्रेशर से. Now the question is what is this A dx? Listen. So in order to make you understand it, मैं ऐसे यहां पे example ले रहा हूं. मान लो पिस्टन की पोजीशन पहले ये थी, पिस्टन बेटा यहां पे था. Say this was x1. Okay? मान लो इस बॉटम से ये किस दूरी पे था, x1, और फिर ये जब डिस्प्लेस हुआ तो बेटा ये पिस्टन ऊपर पहुंचा यहां, और अब ये जो बॉटम से कितना दूर है, x2. इज दैट क्लियर? टेल मी इस पिस्टन का जो एरिया है, एरिया लाइक दिस, ये वाला हिस्सा बेटा, ये a है ना, और जब एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन हुआ ये एरिया मत ना चेंज होगा, ये एरिया तो कॉन्स्टेंट रहेगा. नहीं, जब पिस्टन अपवर्ड या डाउनवर्ड जाए क्या इसका एरिया चेंज होगा, नहीं, बल्कि इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का चेंज होगा. बट दैट वॉल्यूम विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एरिया, बट विल चेंज बिकॉज ऑफ दिस लीनियर हाइट, बिकॉज ऑफ दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया तो चेंज होगा नहीं, तो आप क्या लिखोगे, आप मुझे बताओ. यहां इस सिलेंडर का वॉल्यूम, मान लो वो इनिशियल वॉल्यूम है बेटा, वो नहीं आएगा बराबर ए into x1, because you know volume of cylinder is area into height. Shall I write it as a into x1? Batao beta, yahan iska volume kya aega, v2 kitna aega, naya volume kya aega, a into x2. Is that clear beta? Samajh aa raha hai? Now what will be the change in volume, v2 minus kitna volume change aa gaya beta isme, isko dv se bhi hai, v2 minus vv, change in volume ko dv se nahi dikhate hai. So, किसके बराबर आएगा, हाँ इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ए बाहर आएगा, अंदर क्या बचा बेटा, x2 माइनस x1. What is x2 माइनस x1? It is the final position माइनस ओरिजिनल position. ये जो फाइनल position को मैं क्या माइनस कर रहा हूं, ओरिजिनल position. ये नहीं देखा नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है पिस्टन में, तो a इसको इस x2 माइनस x1 को dx नहीं लिख सकते. तो बताओ ये जो dv है बेटा ये किसके बराबर निकला, adx. सो एक सिस्टम में कितनी वॉल्यूम चेंज आ गई है, वो आएगा ना बराबर उस पिस्टन का, उस सिलेंडर का एरिया कितना है, और वो सिलेंडर कितना डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, x2 माइनस x1 dx. मान लो पिस्टन यहां था और 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, सो dx इज 2 सेंटीमीटर. मान लो इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को ये 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करो, वो आपको इस सिस्टम के वॉल्यूम चेंज बता. सो चेंज इन वॉल्यूम dv, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. सो पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ, मल्टीप्लाई करो उसको एरिया ऑफ पिस्टन, दैट विल गिव यू द चेंज इन वॉल्यूम. सो नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर. बोलो बेटा क्या आएगा, मुझे बताओ बेटा dW किसके बराबर आएगा, P एंड यस व्हाट इज a dx, इट इज dV. सो शैल आई राइट dW एज P dV. नाउ लिसन, दिस dW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ बाय द इंटरनल प्रेशर.
so that there will be a small change in its volume dv. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सिलेंडर को मान लो बेटा इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था v1, कितना था बेटा, और अब जब प्रेशर की वजह से ये एक्सपैंड हुआ और इसका वॉल्यूम बन गया बेटा v2. नाउ मुझे बताओ कितनी वर्क करनी पड़ेगी आपको, टोटल वर्क मुझे बताओ, ताकि ये पिस्टन थोड़ा सा डिस्प्लेस नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज के लिए नहीं, मुझे बताओ टोटल चेंज जो आ रही है, पिस्टन पहले v1 वॉल्यूम रखता था, अब इसका वॉल्यूम v2 है, हाउ मच इज द टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स वॉल्यूम फ्रॉम v1 टू v2. सो आप नहीं इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन में मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन में जब भी आपको टोटल चेंज देखनी हो, सम करना हो, कंटिन्यूअस सम करना हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन. तो छोटे छोटे वर्क्स को सम करना है, कंटिन्यूअस सम करना है, सो दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन. दिस dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम टू dv, बट हाउ मच इज द वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फ्रॉम v1 टू v2. सो यू विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ dw will be equal to integration of PdV. Is that clear? Now, यहां पर आपको डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा इस साइड से, क्योंकि आपको इनिशियल वॉल्यूम, ये जो इंटीग्रेशन हो रही है, इट इज डन अंडर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. वॉट आर इट द बाउंड्रीज ऑफ द वॉल्यूम? इनिशियल बाउंड्री इज v1 and final boundary is v2. So lower limit is v1 and upper limit is v2. What is integration of dw? Beta, it is w. So w kiske barabar aa gaya? Integration of p dv, where the limits of volume are changing from v1 to v2. Beta, this is the general formula for finding the thermodynamic work. This is the general expression. अगर कोई भी वर्क निकालनी हो, किसी भी प्रोसेस में वर्क निकालनी हो, तो बेसिक फॉर्मूला बेटा आप कौन सी यूज करोगे, आपको यही फॉर्मूला यूज करनी है. तो बाद में कंडीशन के तहत ये फॉर्मूला फिर चेंज हो जाती है. जैसे छोटी मोटी एग्जाम्पल लेंगे, सपोज प्रेशर कॉन्स्टेंट है, एक्सपेंशन हो रहा है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, मगर वो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वो प्रेशर कॉन्स्टेंट है. और अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो चीज कॉन्स्टेंट है उसको इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं, तो बेटा यहां क्या आएगा आंसर, पी. अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2. बट यू नो वट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, जैसे पढ़ा था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ dx means x. So what is integration of dv? It is v. But limit क्या आएगी v के, v1 to v2. So then you know from the basics of the definite integrals, p ऐसे ही, v का अपर लिमिट v2 माइनस v का लोअर लिमिट v1. This will be the work done under constant pressure. लेकिन ऐसे ही अगर temperature constant होगा तो वैसे ही relation आएगी. लेकिन basic relation आप ये याद रखना, please. You must remember this relation. This is the general formula for the thermodynamic work. And now, what thermodynamic work is? Is it the state function or path function? So you must remember, ये जो thermodynamic work है बेटा, it is a path function. It is not a state function. Heat में मैंने बताया था, path का कोई और एक मतलब नहीं है, एक ही मतलब है, that means condition. Condition पे depend करता है कि नहीं करता है. देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं दो प्रोसेस ले रहा हूं, एक प्रोसेस में और दूसरा प्रोसेस, ठीक है. मान लो इसका वॉल्यूम था बेटा v1, और बाद में जब एक्सपेंशन करवाया इसका वॉल्यूम आ गया v2, और इस प्रोसेस में भी बेटा मैंने क्या किया,
इसका वॉल्यूम पहले था वी वन, सेम एज दैट ऑफ दिस सिस्टम ए, से दिस इज सिस्टम ए एंड दिस इज सिस्टम, और बेटा इसमें भी वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हो गया दैट इज सेम वी टू। नाउ टेल मी, आपका ये जो आपको क्या लग रहा है, क्या वर्क दोनों में सेम होगी? ऐसे तो लग रहा है सर वर्क सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम चेंज वी टू माइनस वी वन आ रही है और इसमें भी वॉल्यूम चेंज इतनी आ रही है। इस सिस्टम में भी एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम वी वन टू वी टू और इस सिस्टम में भी एक्सपेंशन क्या हो रहा है फ्रॉम वी वन टू, बट मैंने क्या करवाया, मैंने इस प्रोसेस को स्लो करवाया, आई हैव एक्सपेंडेड इट फ्रॉम वी वन टू बट स्लोली एट वेरी स्लो रेट एंड आई हैव एक्सपेंडेड दिस सिस्टम बट यू नो एट वॉट रेट, एट फास्ट रेट। बराबर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों में सेम है, लेकिन इसको कैसे करवाया स्लोली, इसको कैसे करवाया तेज, सो लाइक दिस, इसमें एक्सपेंशन स्लोली हो गया और दूसरे में एक्सपेंशन फास्ट हो गया, लेकिन स्टेट चेंज सेम आ गई ना। इसको भी वॉल्यूम कहां से कहां चेंज करवाया फ्रॉम वी वन टू वी टू, इसमें भी कहां से कहां वॉल्यूम को चेंज किया फ्रॉम वी वन टू वी टू, लेकिन ये देखा गया वर्क डन इन सिस्टम ए इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सिस्टम बी। वाई? अरे यहां तो स्टेट सेम है, फिर क्या डिफरेंट है? बल्कि क्या डिफरेंट है, यहां कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन का मतलब ही क्या है, पाथ। तो क्या यहां दोनों सिस्टम्स का पाथ सेम है कि डिफरेंट है? द पाथ इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज इन थर्मोडायनेमिक्स पाथ मीन्स कंडीशन, हियर द प्रोसेस इज गोइंग स्लो, हियर द प्रोसेस इज गोइंग फास्ट, सो स्लो एंड फास्ट मीन्स टू कंडीशंस, सो अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस द वर्क डन इन दिस सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम आर नॉट सेम बट आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वॉल्यूम चेंज सेम है लेकिन पाथ डिफरेंट है। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वर्क खाली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर यहां डिपेंड करता है, बल्कि पाथ पे भी डिपेंड करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पाथ। सो ऐसी फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पे भी डिपेंड करता हो बट उसके साथ साथ कंडीशन या पाथ पे भी डिपेंड करता हो, सच फंक्शंस आर नोन एज पाथ फंक्शंस। सो इससे पहले हीट मैंने पढ़ाया, दैट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। Thermodynamic work, I am not talking about all the types of work. Gravitational work is not a path function, that is state function. I am talking about the thermodynamic work. It is a path function. Inshallah, in the next lecture, I am going to start internal energy. So, yahan par main ye finish kar raha hu. Assalamu alaikum.